आप जब से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उस वक्त से ये पुश बटन काम करता है? जी ना, खराब है। बहुत परेशानी होती है, बहुत डर लगता है, बहुत खतरा होता है, किसी तरह से रिस्क लेकर के लोग पार करते हैं, आते जाते हैं। चला दो चार महीने के लिए चला, इसके बाद से बंद हो गया, तो इसके बाद कोई उस पर ध्यान भी नहीं दिया कोई। ऐसा कभी नहीं हुआ, दाबने के बाद भी वो एलोराइड रहता ही था, ऐसा कभी नहीं हुआ। ने कभी इसकी खबर दी बड़े अधिकारियों? दिया गया, और इसके बाद भी कोई ना करवाई होती है? रोड कम लोग पार कराते हैं, जहाँ तक होता है जहाँ सुरक्षित घर घर जाए अपना, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। तो आप लोग से लड़ाई झगड़ा भी करने लगते? हाँ, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम जेबे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। पटना के बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर साल 2019 में इनकम टैक्स से जो रास्ता बेली रोड जाता है वहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक लाइटें थीं उसे बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के हड़ताली मोड़ के पास, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही ट्रैफिक लाइट है जिसे अगस्त महीने में 2019 के वक्त बंद कर दिया गया था, और तीन जगह यू टर्न बनाए गए थे क्योंकि आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक जो जाम है वो लग जाती थी। और उसके साथ ही साथ आपको हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हड़ताली मोड़ के पास जो मंदिर है वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया था आम लोगों के पार करने के लिए, और जब आम लोग जो पैदल चल रहे हैं उनके पार करने के लिए यहाँ पर एक पुश बटन लगाया गया था, और उसके बगल में एक इंस्ट्रक्शन जो है वो भी दिया गया था। ये पुश बटन दाबने के बाद जो ट्रैफिक लाइट है वो लाल हो जाती थी और जो गाड़ियाँ थीं वो रुक जाती थी, और उसके बाद जो आम लोग जो पैदल चल रहे हैं वो सड़क को पार करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है पुश बटन का उपयोग कर पैदल सड़क पार करने के लिए निर्देश। सड़क पार करने के पहले सड़क किनारे ट्रैफिक पोल पर लगे सिग्नल को देखें, यदि वहाँ हरे रंग में वॉक विथ कैशन दिखे तभी सड़क पार करें, यदि वहाँ पर लाल रंग में वेट दिखे तो कृपया रुके एवं हरे रंग में वॉक विथ कैशन दिखने के बाद ही सावधानी पूर्वक जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करें, यदि सामने सिग्नल में किसी प्रकार का कोई चित्र नहीं दिखे तो सिग्नल के नीचे लगे बॉक्स में लगे पुश बटन ऑब्लिक स्विच को एक बार दबाएं एवं प्रतीक्षा करें। और ये पुश बटन दबाने के बाद जो सिग्नल है वो रेड हो जाता था, पर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, पर ये जो ट्रैफिक लाइट है वो भी ख़राब है और जो ये पुश बटन है वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। ऐसे में जो लोग भी यहाँ पर सड़क पार करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ रहती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पर आपकी ड्यूटी कब से है? यहाँ पर ड्यूटी हो गई कम से कम 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। आप जब से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उस वक्त से ये पुश बटन काम करता है? जी ना, खराब है। खराब है, हम जब से यहाँ तब से खराब है। और उससे पहले भी खराब हो सकता है? उससे पहले भी हम लोग आते देखते थे खराब था, मेंटेनेंस नहीं होने का। मेंटेनेंस नहीं हुआ। तो जो लोग आम लोग हैं जो पैदल चलते हैं उन्हें सड़क पार करने में काफ़ी दिक्कत भी होती है? बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। रोड कम लोग पार कराते हैं जहाँ तक होता है, जहाँ सुरक्षित घर घर जाए अपना, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं। तो आप लोग से लड़ाई झगड़ा भी करने लगते? हाँ, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम जेबे करेंगे, क्या करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर ड्यूटी में तैनात हैं, आपने कभी इसकी खबर दी बड़े अधिकारियों? दिया गया, और इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई होती है? हाँ, होगा, होता कहा। बहुत है, मीडिया लोग भी आते हैं लेकर रिपोर्ट जाते हैं। ऊपरी पुल का मांग लिख पढ़ कर दिया गया है, पर कुछ होता नहीं है।
हुआ का ना हुआ था, नहीं हो रहा। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनका भी कहना है कि ये कई महीनों से जो पुश बटन है वो भी ख़राब है और जो ट्रैफिक लाइट है वो भी पूरे तरीके से ख़राब हो गई है और जो आम लोग यहाँ पर रोड पार करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है, पुश बटन लगाया गया था, उस पुश बटन को दाबने के बाद जो लाइट है वो रेड हो जाती थी, तब आम लोग पार करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। दाबने के बाद भी वो येलो लाइट रहता ही था, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जब रोड पार करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत काफ़ी परेशानी होती है, आए दिन एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लोग एक्सीडेंट कर गए हैं, लेकिन इसका कोई निदान नहीं निकल रहा। और क्या लगता है कि जो यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था में जो जवान लगे रहते हैं उनके द्वारा से सहायता कुछ मिलती है? सहयोग मिलती है उन लोगों के द्वारा, हल्का फुल्का सहयोग मिलती है उन लोगों के द्वारा, सहयोग मिलती है। पर रोड पार करने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी कठिनाई होती है, ज़रूरत से ज़्यादा कठिनाई होती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपांशु है। यहाँ पे पुश बटन लगाया गया था जो जिसके दाबने के बाद जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड हो जाती थी, उसके बाद लोग जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करते थे, पर ये पुश बटन भी काम नहीं कर रहा है, आपको भी रोड पार करना है, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी जैसे अकेले रहते हैं, दो चार आदमी रहते हैं तो कैसे भी करके हाथ दे के पास करते हैं। वैसे कभी कभी ट्रैफिक पुलिस जो है खुद काम करती है, जैसे वो इशारा दे के रोक देती है गाड़ी को, तब हम लोग पास करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले यहाँ पे रेड लाइट थी, जब ऑन हो जाते थे तो हम लोग आसानी से पार करते थे, लेकिन अभी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये मेन रोड है, जैसा कि आप जानते हैं कितना चौड़ा रोड है, लंबा रोड है, गाड़ी स्पीड में जाती है, हम लोग कैसे भी करके जान जोखिम में डाल के, हाथ डाल के कैसे भी बात करते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी तो है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि आम जो लोग हैं उनका कहना है कि मजबूरी है। जब 2019 में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी तब जो लोग रोड पार करते थे उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। आप ऐसे में तस्वीर में देख सकते हैं कि एक अंकल हैं जो रोड पार करने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से जो गाड़ियां हैं वो तेज़ रफ्तार में आ रही हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने अभी रोड पार किया, उस साइड से आप इस साइड आना था, ट्रैफिक लाइट यहाँ पर अब काम नहीं करती है, पुश बटन लगाया गया था वो भी काम नहीं करता है, कितना दिक्कत होता है रोड पार करने में? बहुत परेशानी होती है, बहुत डर लगता है, बहुत खतरा होता है, किसी तरह से रिस्क ले करके लोग पार करते हैं, आते जाते हैं, डर लगता है पार करने में, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में यहाँ पे चलती है, रुकावट कहीं पे कोई है नहीं दिया हुआ, परेशानी तो होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी। जी सर, बिल्कुल होती है, खतरा भी है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यवस्था अगर कर दिया जाता कि लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही मेन जगह पे बहुत लोग पार करते हैं, हजारों लोग दिन भर में, सैकड़ों लोग इधर से उधर आते जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी, कुछ व्यवस्था जी बिल्कुल होनी चाहिए थी। आप यहाँ पर प्रतिदिन रोड पार करते होंगे, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी, पार तो करना पड़ता है, कुछ न कुछ काम तो आना जाना पड़ता है, इधर से काफ़ी दिक्कत होती है। जी सर, तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जो लोग हैं जिन्हें हड़ताली मोड़ पर जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाया गया है उससे रोड पार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त ये पुश बटन लगाया गया था क्योंकि जो आम लोग रोड पार करते हैं उन्हें दिक्कत ना हो, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक जवान हैं उनके द्वारा यहाँ पर गाड़ी रुकवाई जाती है, उसके बाद ही जो लोग हैं वो एक पार से दूसरे पार जाते हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपने अभी सड़क पार किया, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, पुश बटन लगाया गया था वो भी काम नहीं करता है, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, इधर से भी गाड़ी पूरा तेज़ी में रहता है, हम लोग को निकलने में बड़ा परेशानी होती है, क्या किया जाए, लेकिन ये लोग हैं कि कुछ कुछ इसे रोक करके ट्रैफिक जवान सहायता सहायता करते हैं। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जो आम लोग हैं उनका कहना है जी लगना चाहिए, पुश करके आदमी पार कर जाता था, अच्छा था, अब ये चला दो चार महीने के लिए चला, इसके बाद से बंद हो गया, तो इसके बाद कोई उस पर ध्यान भी नहीं दिया कोई लोग, सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत पीक में गाड़ी रहता है, बाय द वे कभी घटना घट सकता है, घटा भी है, घट भी रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि आम लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम रोड पार करते हैं
तो जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है। ऐसे में किसी भी वक्त यहाँ पर बड़ी जो दुर्घटना है वो हो सकती है। पर 2019 के अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी और महज कुछ ही महीने के बाद जो पुश बटन है और जो ट्रैफिक सिग्नल है वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। अगर हम पटना के और भी इलाकों की बात करें तो डाक बंगला, एग्जीबिशन रोड छोड़कर पटना के किसी भी कोने में जो ट्रैफिक लाइट लगाया गया है वो सुचारू रूप से काम नहीं करता है। अब देखना होगा कि जिस तरह से आम लोगों को रोड पार करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या सरकार जो पुश बटन लगाया गया था उसकी मेंटेनेंस करवाती है या नहीं। बड़ा लाभ बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।